नमस्ते साथियों साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इससे पहले एक वीडियो बना लिया है बीएसटीसी के लिए, और आज हम बात कर रहे हैं दूसरी क्लास के लिए। यानी इससे पहले हमने पढ़ा था लिसनिंग, क्या पढ़ा था लिसनिंग, और आज हम चर्चा करते हैं किसकी, स्पीकिंग की। जैसा कि आपको मैं याद दिला दूँ कि इससे पहले हमने जब पढ़ा था तो वहाँ बात हो रही थी कि इंग्लिश के, यानी इंग्लिश की बात करें या प्रत्येक भाषा की बात करें, फिर प्रत्येक भाषा के सीखने के यानी शुरुआत की जो पड़ाव है वो चार प्रकार के कौशल ढूंढे जाने जाते हैं। वो चार कौशल कौन कौन से हैं तो हम बात कर रहे थे वहाँ पर कि एल एस आर डब्ल्यू, किसकी बात कर रहे थे, एल एस आर डब्ल्यू। एल का मतलब था लिसनिंग, एस का मतलब है स्पीकिंग, और आर का मतलब है रीडिंग, और डब्ल्यू का मतलब है राइटिंग। यानी हमने इसमें से एक कौशल का अध्ययन कर लिया है लिसनिंग का, आज हम बात कर रहे हैं स्पीकिंग की। तो स्पीकिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने आपको पहले लिसनिंग के बारे में पढ़ाया, तो लिसनिंग में भी ध्यान रखिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि बुक में तो बहुत सारा लिखा हुआ है सर, भाई वो जो लिखा हुआ है वो आपकी प्रैक्टिस का विषय है। यानी आप कुछ कहानियाँ दे रखी हैं, कुछ पैराग्राफ दे रखे हैं कि उनको क्या करें, आप एक दूसरे के बीच बोले या किसी के द्वारा बोले हुए कुछ सुने, इस प्रकार का अभ्यास आप वहाँ पर करें। ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ वो विषय है कि आप अगर यदि लिखने का बोलने वाला पोर्शन दे रखा है, आप बोल रहे हैं, बोलते समय सामने वाले को सुन रहा है या नहीं सुन रहा, या फिर वो उसको समझ पा रहा है या नहीं पा रहा। क्योंकि ये बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने कहा कि एक जो हमारे शिक्षाविद है थॉमसन, और एक हमारे पास में है वाइट। कौन है वाइट? इन दो शिक्षाविदों ने यानी एजुकेशनिस्ट ने 1935 में कहा, क्या कहा कि स्पीकिंग जो है, उन्होंने कहा ये जो स्पीकिंग की हम चर्चा कर रहे हैं, कह रहे कि स्पीकिंग लाइक मीन्स की तरह, स्पीकिंग लाइक वॉकिंग और रनिंग, लाइक वॉकिंग एंड रनिंग। यानी अगर हम बात करें कि स्पीकिंग क्या है, उस विषय में चर्चा कर रहे हैं कि स्पीकिंग लाइक वॉकिंग, टहलने या चलने और दौड़ने की तरह, इज नॉट लर्न्ड बाय रूल्स। यानी ये कह रहे हैं कि जो आपके पास थॉमसन है और जो वाइट है, वो कहते हैं कि अगर हम बात करें क्या सीखने की, स्पीकिंग सीखने की, तो स्पीकिंग को हम नियमों के द्वारा नहीं सीख सकते, क्योंकि हम वॉकिंग के लिए रनिंग के लिए नियमों का यूज कर सकते हैं, पर स्पीकिंग के लिए हम पर्टिकुलर के रूल्स पर ही क्या कर सकते, इसको सीख नहीं सकते। इसका मतलब ये बात कही कि उन्होंने कहा इट नीड्स प्रैक्टिस। कह रहे कि अगर यदि आप क्या करना है, स्पीकिंग सीखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी एक बात विषय हो गया, आपका पॉइंटेड विषय हो गया कि स्पीकिंग किसके बिना नहीं सीखी जा सकती, प्रैक्टिस के बिना नहीं सीखी जा सकती। और स्पीकिंग के बारे में विशेष कथन किसने कहा, थॉमसन और वाइट ने कहा, कब कहा, 1935 में कहा। स्पीकिंग की तुलना किससे नहीं की जा सकती, वॉकिंग या रनिंग से नहीं की जा सकती। ये तो विषय मैंने अपनी तरफ से जोड़ा। अब हम बात करते हैं आपके बीएसटीसी के विषय में, चलते हैं किताब में क्या लिखा हुआ, तो वहां लिखा हुआ है आपके एग्जाम में प्रश्न हो सकता है कि वॉट इज स्पीकिंग। यानी अब जो आगे मैं बात कर रहा हूँ देर के लिए, वो सभी बातें किस पर होंगी, स्पीकिंग के बारे में। यानी ये बात भी मैंने स्पीकिंग की थी, अगर बहुत लंबा लिखना है तो इस प्रकार की बातों को ऐड करते हुए आप लिख सकते हैं। यानी एक तरह से मान के चलो कि व्हाट इज स्पीकिंग का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, या कहें कि एग्जाम के लिए मैं आंसर आपके लिए बना रहा हूँ। तो कह रहे हैं देखो, आंसर आपके पास में है क्या, कि स्पीकिंग जो है, स्पीकिंग नहीं है मियरली केवल क्या करना, प्रोड्यूस करना,
क्या क्या प्रोड्यूस करना, कह रहे हैं स्पीकिंग इज नॉट मियरली प्रोड्यूसिंग साउंड्स यानी ध्वनि या फिर वर्ड्स या फिर कह रहे हैं एंड सेंटेंसेस। कह रहे हैं अगर हम ये कहें कि स्पीकिंग क्या है तो कई लोग कहते हैं कि लोग मैंने बोला यही क्या है स्पीकिंग है, तो कह रहे हैं कि जो मैंने बोला सामान्यतः बोलते हैं वो क्या नहीं है स्पीकिंग नहीं है। उसके बारे में कहा कि स्पीकिंग इज नॉट मियरली स्पीकिंग केवल नहीं है प्रोड्यूसिंग उत्पन्न करना बनाना या फिर हम कहीं यहां से उपयोग करें प्रोनाउंसिंग प्रोनाउंसिंग साउंड्स प्रोनाउंसिंग 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 साउंड्स वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो कह रहे हैं स्पीकिंग इज नॉट मियरली प्रोड्यूसिंग साउंड्स वर्ड्स और सेंटेंस, एक बात तो क्लियर होगी। तो कह रहे हैं कि ये क्या और क्या और किसमें कह सकते हैं केवल ध्वनि शब्दों का या फिर हमारे सेंटेंस का क्या करना उपयोग करना है क्या नहीं है स्पीकिंग नहीं है। तो कह रहे हैं क्या है, कह रहे हैं इट इज कॉम्प्लेक्स, इट इज कॉम्प्लेक्स इट इज कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। ये क्या है कठिन अभिक्रिया है, आंसर कह रहे गतिविधि है यानी थोड़ी हार्ड कहें या कठिन कहें या फिर आप कह दें कि इट यानी यह इट यह यानी है प्रोड्यूसिंग, इट इज प्रोड्यूसिंग इट इज प्रोड्यूसिंग साउंड्स या भी कहीं वर्ड्स एंड सेंटेंसेज कैसे क्लियरली एंड मीनिंगफुल। बात समझ गए उम्मीद करना चाहता हूँ, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज स्पीकिंग, स्पीकिंग क्या है, तो हम लिख रहे हैं कि स्पीकिंग इज, अगर हम पहले तो विशेष रूप से ये कह सकता हूं कि आप इसे कह सकते हैं कि स्पीकिंग इज, स्पीकिंग है प्रोड्यूसिंग उत्पन्न करना साउंड्स एक ध्वनि को वर्ड शब्दों को एंड सेंटेंस वाक्यों को क्लियरली स्पष्ट रूप से एंड मीनिंगफुली मीनिंगफुल्ली यानी अर्थ के साथ में यानी उन शब्दों क्या होना चाहिए विशेष अर्थ होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो वो क्या कहलाएगा स्पीकिंग कहलाएगा। उसके बाद में आप स्पीकिंग इज नॉट मियरली प्रोड्यूसिंग साउंड्स वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इट इज कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी या एक्टिविटी कह दे जहां हम इसका जहां पर आपने जो किताब में दे रखा है वो सब दे रखा है क्या प्रोसेस क्या दे रखा है प्रोसेस। ठीक है आगे हम बात करते हैं कह रहे हैं इट यानी यह क्या स्पीकिंग इट इन्वॉल्व। अब यहाँ लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं तो मैं ये कहूंगा आपको कि सबसे पहले एक पैराग्राफ में तो आप याद कर लीजिए, दूसरे पैराग्राफ में जो मैं लिख रहा हूँ जहां से यानी मैंने उल्टा कर दिया पैराग्राफ को आप पहले ये लिखिए यानी मैं आपको अपनी किताब लिखा लिखा हुआ वो चीज समझाने के कारण मैंने ये चीज बाद लिख दी तो आप उसको पहले लिखिए। आगे कह रहे हैं क्या इट यानी यह इट इन्वॉल्व मींस इट इन्वॉल्व इसमें क्या होता है सम्मिलित होता है क्या क्या इट इन्वॉल्व थॉट्स थॉट्स एंड प्लानिंग। इसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है थॉट्स की एंड प्लानिंग्स की आवश्यकता पड़ती है थॉट्स यानी विचारों की और प्लानिंग्स यानी योजनाओं की आवश्यकता इसमें पड़ती है किसके लिए इट इन्वॉल्व थॉट्स एंड प्लानिंग्स हाउ टू हाउ यानी किस प्रकार से हाउ हाउ how best कितना सबसे to put how best to put our our ideas हमारे विचारों को किस प्रकार से हम बेहतर तरीके से कर सके प्रस्तुत कर सके इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है पहले
जोर से अप्लाई करनी पड़ती है। यानी इसका मतलब ये कह रहा हूं आपसे कि स्पीकिंग जो है, स्पीकिंग सामान्य जो बोलते हैं वो क्या नहीं है, मात्र स्पीकिंग नहीं है, पर इट इन्वॉल्व्स इसमें सम्मिलित होता है क्या क्या, थॉट्स एंड प्लानिंग। यानी इसमें पहले क्या करना पड़ती है, विचार बनाने पड़ते हैं, योजना तैयार करनी पड़ती है कि हम श्रेष्ठ कैसे बोल सकते हैं। इसका उदाहरण अगर आपसे कहूं, आपने कभी स्पीच क्या कोई क्या दिया होगा, स्पीच दिया होगा, स्पीच दिया है तो वहां पर आपने क्या किया होगा कि पहले बहुत अच्छी तैयारी की होगी कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या संबोधन होगा मेरा, मुझे किस प्रकार से लोगों को संबोधित करना है, इस प्रकार की सब बातें वहां पर आपने नोटिस की होगी। तो मैं यह कह सकता हूँ कि आप स्पीकिंग के लिए, आप स्पीकिंग को क्या कह सकते हैं, नॉर्मल ना समझे। अब रही बात कि स्पीकिंग जो है, हमने यहां तक कह दिया कि स्पीकिंग क्या है, स्पीकिंग का मतलब है कि शब्दों का, वाक्यों का एक ध्वनि का शुद्ध और अर्थपूर्ण क्या करना, उच्चारण करना, स्पीकिंग कहलाएगा। स्पीकिंग मात्र क्या नहीं है, एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। स्पीकिंग मात्र शब्दों का उच्चारण करना नहीं है, वाक्यों का उच्चारण करना नहीं है। यानी स्पीकिंग तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक कि हमारे द्वारा कही बात श्रोता को समझ में नहीं आ जाए। आगे बात करते हैं, तो कह रहे कि स्पीकिंग के लिए हमारे पास में क्या होता है, देयरफॉर यानी इसके लिए, देयरफॉर इसके लिए there are three areas to improve it. Yani areas of knowledge, there are three areas to improve it. Yani agar aap kya karna hai, it ka matlab hai aap upyog kiya hai speaking, अगर हमें क्या करना है, हमारी स्पीकिंग को, यानी हमारी स्पीकिंग जो एक्टिविटी है, कौशल जो है, अगर इस वाक कौशल को हमें क्या करना है, अगर संस्कृत में कहें तो क्या होता है, वाक कौशल, वाक कौशल। तो कह रहे इस वाक कौशल को अगर हमें सुधारना है तो कह रहे कि देश के लिए देयर आर थ्री एरियाज टू द एरियाज ऑफ नॉलेज। यहां पर हम चाहें तो हम कह सकते हैं देयर आर थ्री एरियाज ऑफ नॉलेज to improve it, यानी इसके लिए अगर आपको क्या करना है, आपकी स्पीकिंग सुधारना है तो आपके तीन क्षेत्र के बारे में आपको क्या है, तीन प्रकार की बातें जो आपको सामान्यतः याद रखनी चाहिए या ध्यान रखनी चाहिए। या याद का मतलब तो है कि हमें एग्जाम लिख रहे हैं तो याद रखना। तो पहला पॉइंट कह रहे हैं मैकेनिक्स या मैकेनिक्स का मतलब क्या है, बात पे आप गौर करेंगे। मैकेनिक्स का मतलब है और वोकैबुलरी का, वोकैबुलरी और ग्रामर का, यानी अगर यदि आप क्या चाहते हैं अपनी भाषा को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप प्रोनंसिएशन, आपकी वोकैबुलरी पावर, आपके ग्रामर का नॉलेज, ये क्या होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। पर बहुत सी बार क्या होता है कि हमारे को ग्रामर आती है पर क्या ये शब्दों का ज्ञान नहीं है, तो भी हम क्या नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, हमारे को शब्द रटे हुए तो है पर उनका वास्तविक उच्चारण मालूम नहीं है। तो कह रहे हैं इसी स्थिति में भी हम क्या नहीं कर सकते, हम हमारे व्यवहार को सुधार नहीं सकते, हमारी स्पीकिंग कौशल को सुधार नहीं सकते। इसके बाद क्या है दूसरा पॉइंट, फंक्शंस, यानी ये तो बात हुई कि आपको एक शोध ज्ञान होना चाहिए, मैकेनिक्स ये तो चीज आपकी क्या आपको याद आनी चाहिए। फिर इसके बाद में अगर आपको आपकी एक्टिविटी यानी स्पीकिंग की जो एक्टिविटी है सुधारना, इस प्रोसेस को सही बनाना है तो आप क्या करोगे, ट्रांजेक्शन एंड ट्रांस
एंड ट्रांजेक्शन एंड ट्रांजेक्शन एंड इंटरेक्शन यानी आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन एंड इंटरेक्शन का मतलब है कि दो जुड़ों में हिसाब कह दू तो मैं कह सकता हूं कि आपको परस्पर चर्चा यानी वार्तालाप का जरिया अपनाना पड़ेगा। जितना अधिक हम एक दूसरे से क्या करेंगे, बातें करेंगे, उतना ही अधिक हमारा क्या होगा, स्पीकिंग कौशल सही होगा। यानी हमें परस्पर चर्चा करनी चाहिए, एक दूसरे से बातें करनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल एंड कल्चरल, सोशल एंड कल्चरल जिसे कहते हैं नॉर्म्स यानी आंकड़े, यानी वो बातें जो समाज स्वीकार करता है। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा, अरे पता नहीं क्या बोल गया, अरे तुझे इसकी समझ नहीं आती, तू क्या तक क्या बोलता है, ये वो कहते हैं, आप देखा होगा, अरे कहते क्या गड़बड़ करके चला गया। तो ये गड़बड़ जो करने की बात कहते हैं, इसका मतलब है कि उसको हमारा जो समाज है, समाज जो है या हमारी संस्कृति जो है, उसके बोलने के तरीके क्या नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। यानी अब हमें यहाँ सोशल और कल्चरल नॉर्म्स को ध्यान रखने की जो बातें हैं वो कौन सी बातें हैं, वो हमें कौन सी नॉर्म्स कहें और नॉर्म यानी आंकड़े एंड रूल्स एंड नियम करें, कौन कौन सी बातें जो हमें हमें मालूम होनी चाहिए। तो देखो क्या करें, रेट ऑफ स्पीच, रेट ऑफ स्पीच यानी आप अगर किसी व्यक्ति से बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो आपका जो बोलने में एक बार में आप कितने शब्द बोलो, कैसे बोलो, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यानी कई बार क्या करते हैं, एक ही सांस में बहुत कुछ बोल जाते हैं, सामने वाला सुन भी नहीं पाता। या फिर बात करते हैं टर्न टेकिंग, टर्न टेकिंग यानी हमारी बात को बदलना, यानी कोई बात कुछ कह रहे थे कहते कहते जाते हैं उस बात को बदलना चाहते हैं, तो बात को बदलने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए। आगे कह रहे हैं लेंथ ऑफ पॉजेज, लेंथ ऑफ पॉजेज बिटवीन वेन स्पीकर्स, यानी आपके जो वक्ता जो बातें कर रहे हैं उन दो वक्ताओं के बीच में आपको कितनी देर में है, कितने से बोलने में आपके तरह चाहिए रुकना चाहिए। ऐसा नहीं हो सामने वाला बोले जा रहा है आप भी बोले जा रहे हो, नहीं तो आपने उसको सुना उसने आपको सुना, तो यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं तो लेंथ ऑफ पॉजेज एंड बिटवीन स्पीकर्स, तो यहां पर रिपीट करते हैं बात को, यानी कुल मिलाकर बात हमने कहा कि अगर कहे कि स्पीकिंग को सुधारने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको किन किन का नॉलेज होना चाहिए, क्वेश्चन हो कि स्पीकिंग को सुधारने के लिए क्या क्या किन किन क्षेत्रों का आपको नॉलेज होना चाहिए, तो हम कहेंगे देर को यानी टू इम्प्रूव इन स्पीकिंग देर आर थ्री एरियाज ऑफ नॉलेज, ज्ञान के तीन क्षेत्र हैं, तीन बातों का नॉलेज होना चाहिए। तो कह रहे हैं कौन कौन से, मैकेनिक्स में कौन कौन सा रहेगा, प्रोनाउंसिएशन वोकैबुलरी और ग्रामर आ जाएगी, फंक्शंस उसमें ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन का तो सब तो आपको याद आते आया होगा कि बैंक में आप एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से चर्चा करना, और ये क्या है अंतर क्रिया करना, अंतर क्रिया मतलब कि एक व्यक्ति को अपने आप से भी बातें करना चाहिए। सबसे पहले हमें आईना लेकर के आईने के सामने खड़ा होकर के हमें बोलना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम बोलते समझने जाने इस प्रकार की फालतू की एक्टिविटियां कर रहे हो, एक्टिविटीज कर रहे हो जिनके द्वारा लोग हमारी क्या करें असे हमारे को मूर्ख समझे, इस प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। आगे कह रहे हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक नॉर्म्स यानी आंकड़े या नियम, ऐसे समाज के नियम या आंकड़े जो बातें हैं वो आपको जो ध्यान में होनी चाहिए, क्या करने के लिए, आपको श्रेष्ठ वक्ता बनाने के लिए। तो कह रहे क्या क्या, रेट ऑफ स्पीच का मतलब आपकी जो बोल रहे हैं बातें कर रहे हैं उस समय
आपके एक वर में कितने अधिक से अधिक शब्द आप बोले ताकि सुनने वाले को आपत्ति नहीं हो। दूसरी बात कह रहे हैं टर्न टेकिंग, यानी अगर आप बातें कर रहे हैं, बातें करते समय आपको कहां मुड़ना है, मुड़ने का मतलब है कि आपको अपनी बात कहां से बदलनी है, कैसे बदलनी है, ऐसा ना हो मन में आया जहां बदल दिया, मन में आया जहां रुक गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेंथ ऑफ पॉजेज, लेंथ ऑफ पॉज का मतलब टहलना, बिटवीन स्पीकर्स यानी दो वक्ताओं के बीच में चर्चा चल रही है तो चर्चा के दौरान आपको कितने अंतराल में रुकना चाहिए या कब तक बोलते रहना चाहिए, इन बातों का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद में माय डियर मैं आपसे इतना से सूचना देना चाहूंगा कि आप आज की क्लास में कमेंट करें क्योंकि आज क्लास में सामने कोई स्टूडेंट नहीं है, मैं आपके लिए पर्सनली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो जैसी भी आपकी एक्टिविटी आपका जैसा रिस्पॉन्स होगा तो उस रिस्पॉन्स के अनुसार ही आगे जाकर के वीडियो बनाऊंगा। आपके लिए एक विकल्प है अगर आप जैसा बताएंगे, मैं ये जो बातें लिख रखी है मैंने इस प्रकार से क्या करूँ पूरे बोर्ड पर पहले लिख लूँ फिर उनको क्या कर दूँ उन्हें एक्सप्लेन कर दूँ समझा दूँ आपको, एक तो ये तरीका है। एक तरीका जैसे पढ़ रहे हैं क्लास इस तरीके से पढ़ रहे हैं, ये तरीका सही है, आज आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे क्या करें कमेंट जरूर करें और आपके लिए वीडियो बन रहे हैं यानी आप अपने साथियों को जरूर इसके बारे में बताएं, ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं एक बात और बताता हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है कि अगर यदि एक टीचर जो है, एक टीचर को क्या करना है विद्यार्थियों को स्पीकिंग कौशल को सही करना है विद्यार्थियों का, और उसके सामने एक नया विषय आ गया, नया विषय आने पर मैं उस विषय क्या करना चाहता है विद्यार्थियों को सही उसको जैसे मान लो कि बात करें कि आपने विद्यार्थियों को अभी तक कोई स्लोप पार्ट नहीं सिखाया, कोई पहाड़ नहीं सिखाई, मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो विद्यार्थियों को आप पहली बार सिखाने जा रहे हो उसको आप याद करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि विद्यार्थी क्या करें इसका सही उच्चारण करें, तो करें ऐसी स्थिति के अंदर कह सकते हैं There are three drills for A. तो कह रहे हैं इस तरीके हो सकती है तीन प्रकार की ड्रिल, यानी गतिविधियां कह सकते हैं, एक्टिविटी कह सकते हैं या प्रक्रियाएं कह सकते हैं। तो कह रहे वो कौन कौन सी है देखो, एक तो आपके पास भी हो सकता है क्या इसे हम कह सकते हैं क्या कोरल ड्रिल। कोरल ड्रिल का मतलब आपने क्लास में देखा होगा कि संपूर्ण कक्षा, संपूर्ण या होल क्लास में इंग्लिश में तो इंग्लिश में लेता हूं होल क्लास क्या करें संपूर्ण कक्षा में जितने भी और स्टूडेंट है सभी जितने 35 स्टूडेंट है 35 के 35 स्टूडेंट क्या कर रहे हो अध्यापक ने कोई श्लोक पढ़ा नया, अध्यापक चाहता है कि आपको याद हो, जैसे संस्कृत में आपने पेन पर लिखा पढ़ा था माये से सूत्र पढ़े थे, माये से सूत्रों के अंदर आपने पहली बार पढ़ा था तब आपको उच्चारण करना नहीं आ रहा था, अध्यापक चाहता था कि मैं क्या करूं विद्यार्थी को इसका उच्चारण करना सिखाऊं, तो उसने क्या अध्यापक ने एक लाइन रिपीट की और फिर विद्यार्थियों से उसने कहा क्या कहा कि आप सब क्या करेंगे मेरे बोले हुए लाइन को आप दोबारा से बोलेंगे, तो ये संपूर्ण कैसे बात होगी, यानी ये बात क्या कह रहा हूँ आपको अगर यदि आपकी स्पीकिंग कौशल सुधारना है आपके बच्चों का नहीं नए विषय आपके पास कुछ आया है और आप उसको सिखाना चाहते हैं तो आप कोरल ड्रिल यानी संपूर्ण कक्षा को एक साथ उच्चारण के माध्यम से उनका स्पीकिंग कौशल आप तैयार कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बात करूं ग्रुप ड्रिल, किसकी बात कर रहे हैं ग्रुप ड्रिल, यानी यहाँ तो संपूर्ण कक्षा की बात थी, अब अध्यापक ने क्या किया कि किन्हीं 5 विद्यार्थियों को ले लिया, किनको ले लिया 5 विद्यार्थियों को, उनसे कहा कि मैं जो बोलूं उसको आपको क्या करना है रिपीट करना है या फिर आप इसको क्या करो एक साथ बोल करके सुनाओ, ठीक है, या तो अध्यापक बोलेगा वो 5 विद्यार्थी करेंगे उसको रिपीट करेंगे, इसे कहते हैं ग्रुप ड्रिल, यानी 4 से 5, 10, 15, 20 जितने भी स्टूडेंट का आपको अच्छा लगता है उनको क्या कर सकते हैं आप ग्रुप बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 10 क्लास छोटी क्लासों के अंदर, क्योंकि छोटी क्लासों तक ही होता है, छोटी क्लास में क्या करते थे अध्यापक 3 विद्यार्थियों को कहते तुम आ जाओ और पहाड़े सुनाओ, फिर सबसे क्या करो पहाड़े बुलवाओ, तो ये ग्रुप की बात हो गई, यानी ग्रुप डिस्कशन में 3 विद्यार्थी आए हैं सामने क्लास के सामने हैं तो 3 बोलेंगे उसी बात को दोहराएंगे पूरी क्लास दोहराएगी। आगे कह रहे हैं आगे कई बार आपको देखा होगा आपने कि क्लास में
क्लास में एक अकेले विद्यार्थी कुछ मोटर वगैरह बना दिया जाता है जो होशियार होता है, उसको कह दिया जाता है कि आप क्या करो, पहाड़े बोलो और इन सबसे बुलवाओ। तो यानी एक अध्यापक अपने एक नए विषय को विद्यार्थियों के द्वारा बुलवा करके उनके विषय को क्लियर करवाने के लिए इस प्रकार की तीन प्रकार की गतिविधियां करवा सकता है। इसमें कोरल ड्रिल हो सकता है, ग्रुप ड्रिल हो सकता है और इंडिविजुअल ड्रिल हो सकता है। आई होप मैं आशा करूंगा कि आप क्या करें, फीडबैक दें और आपकी फ्रेंड कोमल शर्मा उसको आप थैंक्स करें इस क्लास के लिए, उन्होंने प्रमोट किया कॉल किया और मैंने इसके बाद बनाया इसको। तो आपका जो भी विचार हो, जिस प्रकार की विधि बदलवानी हो, शैली बदलवानी हो, आप उसमें कह सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस बारे में बता सकते हैं, ताकि मैं आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर सकूं। और उदाहरण के तौर पर आपको बताऊंगा कि आप क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। इसको आप क्या करें, कंप्लीट करें, नोट करते रहें साथ साथ में, या आपके काम में आएगी, आज भी आपके नोट लगने के दौरान काम में आएगी।